हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। यहाँ पे एक तो चल रहा है शादियों का सीज़न और दूसरा चल रहा है मौसम चेंज होने का सीज़न, जिसके इफ़ेक्ट्स मेरे पे आ चुके हैं और मुझे इतना गला मेरा ख़राब है, खांसी ज़ुकाम हो चुका है। अच्छा, उसके अलावा हमारे घर में गैदरिंग है और गैदरिंग की वजह से वैसे भी वो एक दूसरे से ना एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले मोमना बीमार थी और शुक्र अल्लाह का मोमना अब ठीक हो गई है, तो अब ये चीज़ मेरे पे आ गई है। लेकिन मैं गले ख़राब के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। ये वाले व्लॉग बहुत मज़े के होने वाले हैं और आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं ढेर सारे काम। मतलब शादी सर पे है और बाकी सारे जो काम है ना वो रहते हैं और उनको व्लॉग में कवर भी करना है और व्लॉग अपलोड भी करना है, ठीक है। तो अच्छा, बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, एक ही कमेंट आया, सॉरी तो उसका रिप्लाई कर देती हूँ। एक कमेंट आया था कि आपके देवर की शादी तो हो चुकी है। देवर की शादी हो चुकी है लेकिन अब ये न्यू जनरेशन की शादी हमारे ख़ानदान में स्टार्ट हो गई है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी और ब्रदर इन लॉ का बेटा, यू नो क्या होता है। तो फिर अच्छा, उनकी शादी और हम सेम सिटी में रहते हैं तो इसलिए हमारे सेम फंक्शंस हैं, सेम ढोलकियाँ हैं, सेम मेहंदियाँ चल रही हैं। मतलब कम्बाइंड मेहंदी, कम्बाइंड ढोलकी और कम्बाइंड बारात एंड वलीमे का फंक्शन जो है ना वो होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग बाज़ार आए थे, मार्केट कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ सामान वगैरह लेना था, और क्योंकि शादी जो है ना वो सर पे थी, एक दो दिन रह गए थे यहाँ पे। और आज रात को जो है ना हम लोगों ने जाना है ढोलकी पे लड़की वालों के घर, तो उसकी भी जो तैयारियाँ ना हम साथ साथ कर रहे थे। तो आज के दिन जो लास्ट वाला मेन वाला काम था ना वो था मेहंदी का सामान लेना। तो हम लोग यहाँ पे मेहंदी वाले बाज़ार में पहुँचे हैं। तो यहाँ पे हम मेहंदी की कुछ चीज़ें हमने लेनी थी, जैसे बच्चों के लिए प्लेट्स और कैंडल्स, मेहंदी होगी और शुरलियाँ, पटाखे, जो भी शुगल मुगल लगाना था उसके लिए। इतना मतलब ये भी इतना हेक्टिक था ना, एक तो सबको गिन के लेना, मतलब कोई भी चीज़ जो है ना वो कम ना हो जाए, और वो सारी चीज़ें हम खरीद रहे थे। और यहाँ पे हम इतना लेट हो चुके थे, 8-9 10 बज चुके थे और मार्केट ऑलमोस्ट बंद थी। अच्छा, यहाँ पे हमने गजरे लिए हैं, प्लेट्स लिए हैं और उसके अलावा चूड़ियाँ हमने ख़रीदनी थी। चूड़ियों के लिए हमें चूड़ी वाले बाज़ार में जाना पड़ता था, यहाँ पर चूड़ियाँ थी नहीं। तो फिर उसके लिए हम नेक्स्ट डे हमें आई थी यहाँ पे चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए, क्योंकि एक थाल आपने चूड़ियों का बनाना था और दूसरे थाल में हमने गजरे रखने थे। तो यहाँ पे अब मैं कलर डिसाइड कर रही थी कि येलो के साथ या ग्रीन लूँ या रेड लूँ। तो खैर एनीवेज, मुझे जब मैंने उनको कंबाइन किया तो मुझे येलो और ग्रीन का कम्बो जो है ना वो ज़्यादा प्यारा लगा। तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना येलो और ग्रीन कलर की चूड़ियाँ फाइनली सबके लिए ले ली। ऑलमोस्ट 30 दर्जन चूड़ियाँ थी वो सारी ऑलमोस्ट। अच्छा, उसके बाद हम लोग ढोलकी के लिए जा रहे थे लड़की वालों के घर, तो इसलिए हमने वन डिश प्लान किया हुआ था। वन डिश हम बना के लेके जाएंगे। और यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी और कसमी इतना मज़े का पुलाव मैंने बनाया था, काश मैं आपको खिला सकती। मतलब मुझे खुद को इतना मज़े का लग रहा था, किसी और की तारीफ़, सब ने तारीफ़ की लेकिन मुझे अभी तक उस पुलाव का जो टेस्ट है ना मेरे मुंह के अंदर है, क्योंकि आप लोग भी चखते हैं, आपको मज़ा आना था। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग बस निकलने लगे हैं, सब लोग गाड़ियों में बैठ रहे हैं, दूल्हा भाई जो हमारी गाड़ियों में बैठ के, और सब लोग पता है जब फैमिली होती है ढेर सारी तो गाड़ियों के अंदर बंदे पूरे करने बड़ा मुश्किल काम है। तो ये है जी हमारी दुल्हन का घर, फाइनली वी आर हियर। यहाँ पे ढोल धमाका सब कुछ चल रहा है, आप सुनाती हूँ। Hare Rama Hare Rama Rama Rama